हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, छोटी सी आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं थोड़ा सा आज लेट भी उठी हूँ। ये सुबह का व्यू है फ्रेंड्स, मेरे घर के बाहर मैंने मनी प्लांट लगाया है। फ्रेंड्स, मैं अभी किचन में आ गई हूँ, लाइट ऑन कर रही हूँ और फटाफट जो भी बना रही हूँ आपको आज छोटा सा ही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले विंडो ओपन कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये रात का ही फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने दिखाया है आपको आगे भी वीडियो में, मैं किचन क्लीन करके वॉश करके बर्तन वगैरह सोती हूँ। तो बस अभी मैं राहर दाल धोकर डाल दी हूँ फ्रेंड्स, और हल्दी 1 टीस्पून और स्वाद अनुसार नमक और पानी डालकर कुकर को बैठा दी हूँ दाल बनाने के लिए। मुनगा दाल यहाँ पे मैं फ्रेंड्स कढ़ाई में रात में ही बना हुआ था, इसी कढ़ाई को यूज़ की हूँ। जीरा डाली हूँ, इसके बाद आलू का भुजिया डाली हूँ भुजिया बनाने के लिए। और ये मुनगा दाल बनाने के लिए मैंने कुछ रेसिपी लिया है यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स: बारीक चॉप टमाटर, कड़ी पत्ता, बारीक चॉप प्याज, 2 हरी मिर्च, लहसुन, और जो मोटे में प्याज है वो इसमें मैं अभी डालूँगी आलू की भुजिया में। ये देखिए, ये सारे प्याज को मैं इधर, ये मैं आलू की भुजिया के लिए रखी थी, आलू और प्याज की भुजिया बना रही हूँ। और साथ में बना रही हूँ चावल, प्लेन चावल है और मुनगा दाल, आप सैजन दाल भी बोल सकते हैं, मुनगे की दाल बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत प्रोटीन रहता है। और मेरे यहाँ 2-3-4 कम से कम इसकी मुनगा थी, तो थोड़ा ही सा एक ही बाउल था। ये देखिए भुजिया बन गया, तो निकाल कर मैंने कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के मुनगे को भी फ्राई किया। नेक्स्ट फ्राई करके निकाल ली हूँ, इसके बाद जीरा डाली हूँ, फिर से तेल डालने के बाद। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बस उसी कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, ऑफिस भी जाना है और मैं पूरा चीज़ अलग अलग बिल्कुल सूट करके नहीं दिखा सकती, तो बस इस टाइप का ही कुछ रूटीन रहता है। और आज का क्लिप बहुत ही छोटा जाने वाला है, तो सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि और भी रूटीन साथ में शेयर करूँ। फ्रेंड्स, जो मैंने कड़िया पत्ती ऐड किया है ना, ये मेरा स्टोर कड़िया पत्ती है, डब्बे में मैंने रखा था। ये लगभग लग रहा है कि 20 दिन से भी, 1 मंथ से आई थिंक ज़्यादा हो गया है। इस वजह से कुछ कुछ पत्तियाँ इस टाइप के कलर में भी आ गई है और मुझे जल्दी मिल नहीं पाता फ्रेंड्स, इसलिए मैं स्टोर ही रखती हूँ। और किसी किसी के यहाँ मैंने देखा भी है ये पेड़, बट मंगने में अच्छा नहीं लगता, तो बस अगर मुझे फैमिली के यहाँ से मिलता तो मैं इसको स्टोर रखती हूँ। मैंने डाला है फ्रेंड्स मुनगा दाल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल, और तेल के बाद डाला है मैंने जीरा, आपको मसाले भी साथ में दिखा दे रही हूँ। जीरा, जीरा के बाद लहसुन, लहसुन के बाद हींग, हींग के बाद बारीक चॉप प्याज और कड़ी पत्ता, और लास्ट में 2 हरी मिर्च। टोटल मैंने इतना चीज़ अभी कढ़ाई में डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी डाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हल्दी दाल में भी है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। इसके बाद चला गया इसमें फ्रेंड्स टमाटर, सभी चीज़ों को एक साथ चला देंगे, टमाटर को थोड़ा सा गल जाएगा। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, जो भी आपके पास गरम मसाला हो आप वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुनगा दाल बना रहे हैं, ओनली फ्राई दाल नहीं है, इसको और भी अलग अलग वैरायटी से भी बनाया जाता है। बट अभी जैसा कि मैंने बताया मेरा बिजी रूटीन है, तो मैं फटाफट यही चीज़ आज करके बना रही हूँ। तो बस मसाला गल जाएगा, गलने के बाद हम इसको दाल में पलटी कर लेंगे। थोड़ा सा मैं बीच में ढकी हूँ, ये देखिए मेरी दाल की सीटी में भी कम से कम मैंने 4 से 5 सीटी लगाया, और इसके बाद इसको कलछुल से ही गोल गोल राउंड करने से मैश कर दिए। मैश करने के बाद जो मैंने मुनगा फ्राई करके रखा था ऐड कर लिया है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भिलाई में भी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स,
बस इसी के साथ ये मैंने चावल को भी वॉश करके रख लिया है। कुकर में एक सीटी आ जाएगा, दाल खाली करने के बाद मैं कुकर में ही चावल बनाऊंगी। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा टमाटर भी इधर गल गया है। जब तक कुकर में सीटी आया फ्रेंड्स, मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा लिया है, ब्रश वगैरह भी कर लिया है, बस मुझे अब बस नहाना है। ये देखिए मेरा दाल का भी ये बैटर रेडी हो गया, मैंने दाल में पलटी कर दिया है। बस अब एक सीटी बस लगाऊंगी क्योंकि मुनगा बहुत पतला है और फटाफट अभी धोने का टाइम नहीं है, तो मैं एक कॉटन कपड़ा गीला करके और बस स्लैब को और गैस को एक बार पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ हो जाता है ना तो वो लगता है कि किचन का बहुत सा काम हो चुका है, बस इसलिए। और साथ ही साथ जब तक मैंने टमाटर भूंजा, जो भी साइड में जैसा कि आपको दिखाई हूँ मैं आगे भी वीडियो में, तो बर्तन वगैरह था उसको मैंने वॉश कर लिया है। ये फ्रेंड्स मैं अपना ट्यूसडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, मंडे का ब्लॉग है, ट्यूसडे में मंडे का ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो ये देखिए भुजिया को मैं साइड में खाली करके रखी हूँ, प्लेट के ऊपर प्लेट ढककर मैं अपना टिफ़िन पैक करूँगी फ्रेंड्स, और बाकी मेरे हस्बैंड के लिए रहने दूँगी। बस थोड़ा सा ये किचन काउंटर टॉप को एक बार डस्ट जो भी थोड़ा बहुत होता है ना एक बार पोछ लो तो सही रहता है, फिर मैं अगर कुछ बनाऊँगी तो एक राउंड और पोछूँगी ही, क्योंकि मुझे ये साफ़ रहता है ना तो मुझे और इंटरेस्ट आता है बनाने में या कोई काम करने में, तो मैं बस पोछते रहती हूँ फ्रेंड्स, अच्छा लगता है मुझे एकदम साफ़ रखना। और मैंने अभी बर्तन को नहीं धोया है क्योंकि कढ़ाई मेरी अभी गर्म है, और कुछ बर्तन को मैंने धो के रैक पे जमा भी दिया है। बस इसको हल्का सा से क्लीन करके और बाद में मैं इसको फुर्सत में भी धोती हूँ फ्रेंड्स, कभी आपको वीडियो में शेयर करूँगी गर्म पानी में डाल के। अभी नल पर ही रख दी हूँ क्योंकि फिर से पूछना होगा। इधर मेरी दाल रेडी हो रही है फ्रेंड्स, ये देखिए ये इसकी लास्ट सीटी है, और साथ ही मैंने फ्रिज से निकाल कर एक पराठा बना रही हूँ फ्रेंड्स, नमक वाला पराठा। मेरे हस्बैंड के लिए सिंपल दो पराठा बना के मैंने टिफ़िन में रख दिया है, आटे में नमक नहीं डाली हूँ इसलिए ऐसे रोटी जैसा बेल के इसके ऊपर नमक छिड़क दे रही हूँ। ये पराठा मैं इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो ये पराठा बनाने के बाद ऑफिस जाने से पहले मैं इसको चाय में डुबा के खा लूँगी क्योंकि मुझे चाय पराठा पसंद है। ये देखिए मेरा पराठा तैयार हो गया, और ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लोई का लिया है कि एक भी खा लूँ ना तो डेढ़ रोटी के बराबर हो जाए। खाली पेट मैं ऑफिस नहीं जाती फ्रेंड क्योंकि मुझे बहुत गैस होता है, और गैस होने से मेरा सिर बहुत जल्दी दर्द होता है। मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। मैं आगे और अच्छे से वीडियो में दिखाऊंगी अपने रूटीन को, जैसे कि मैंने पहले दिखाया भी है दो वीडियो में। तो बस अभी लेट हो रहा है, तो आज के मॉर्निंग ब्लॉग में बस मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ। मेरा दाल चावल में भी सीटी आ गई है, तो दाल चावल और भुजिया मेरा रेडी है, पराठा भी मैंने नाश्ते के लिए बना लिया। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बस इतना ही है। देख सकते हैं आप मुनगा दाल कितना प्यारा कलर आया है, और बहुत ही परफेक्ट दाल बना है, इसके अंदर की मुनगा भी बिल्कुल नहीं टूटी है फ्रेंड्स। बहुत पतली होने के कारण मैंने थोड़ा सा प्रेशर में एक सीटी ही लगाया है, आपके पास मोटी मुनगा हो तो आप मीडियम फ्लेम पर लगाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, मेरे मुनगे की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। ट्यूसडे में मंडे ब्लॉग गलती से बोला है फ्रेंड, ट्यूसडे का मॉर्निंग